कोई नया त्योहार नहीं है, सदियों से ये त्योहार मनाया जाता रहा है। इस रिकॉर्ड का कोई मतलब थोड़े, अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो योगी बाबा ने तो बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है हमारे देश के नौजवानों को बेरोजगार किया है। अयोध्या में 8वें दीपोत्सव के दौरान दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। एक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा एक साथ आरती करने का था तो दूसरा रिकॉर्ड 25 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाने का था, जिस पर फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने तंज कसा और कहा कि योगी बाबा और बीजेपी ने तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने हमारे देश के नौजवानों को बेरोजगार करने का रिकॉर्ड बनाया है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। इस रिकॉर्ड का कोई मतलब थोड़े, अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो योगी बाबा ने तो बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है हमारे देश के नौजवानों को बेरोजगार किया है। साथ ही अवधेश प्रसाद ने कहा कि दिवाली कोई नया त्योहार नहीं है, सदियों से मनाया जाता रहा है और इतने दिए जलते हैं इसकी कोई गणना नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे सीएम ने दिवाली का भी राजनीतिकरण कर दिया है, त्योहारों को भी पार्टी विशेष का त्योहार बना दिया है, बीजेपी लोगों को तोड़ना चाहती है। देखिए ये दीपावली का त्योहार किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का, किसी एक मर्द का नहीं है, ये त्योहार सबका है और ये कोई नया त्योहार नहीं है। सदियों से ये त्योहार मनाया जाता रहा है, मनाया जाएगा और हमारी ये परंपरा रही। और इतने दिए जलाए जाते हैं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। हम लोग तो गांव के लोग, हमारे खेतों पर, मेड़ों पर, खलिहानों पर और डेयरी पर और जहां पर गाय भैंस बांधी जाती है खूंटे पर और घोर पर, और अगर गिनती की जाए तो 25 लाख इन्होंने तो न जाने कई करोड़ दिया जलाए जाते हैं, लेकिन वो दीपक गांव के लोगों के, गरीबों के, किसानों के हुआ करते हैं। बाबा ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे मान्य पर्व है उसका भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ और 1121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती की और साथ ही कुल 25,12,585 दिए जलाए गए, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।